हेलो दोस्तों, हमारा ऑनलाइन टीच में स्वागत है। अगर आप लोग भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड अप्लाई किए हैं और आपको नहीं मिला है और ये कैसे मिलेगा, इसका फुल प्रोसेस जानेंगे और ये आपको मैसेज अगर आ चुका है तभी भी नहीं मिला एटीएम कार्ड, उसके बारे में भी जानेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में जो भी नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड कलर वाला बटन है, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जो भी अपडेट दूँ आपको मिलता रहे जल्दी जल्दी। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड अगर आपका मैसेज आ चुका है और एटीएम कार्ड नहीं आया है तो इसका एक ही कारण है कि कार्ड शॉर्टेज होगा बैंक में या आपके जो ब्रांच है या ब्रांच आपका छोटे एरिया में होगा यानी कि गांव एरिया में। अगर आप लोग शहर एरिया में रहते तो आपको जो है 15 दिन में एटीएम कार्ड मिल जाता है। इसका एटीएम कार्ड का अप्लाई प्रोसेस है, सबसे पहले आपको जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपन करने के साथ आपको जो है एक एटीएम कार्ड का अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करके आपको ब्रांच में सबमिट करना होगा। ब्रांच में जैसे सबमिट करेंगे, आप अगर मोबाइल नंबर देंगे तो अभी तो मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, मतलब मोबाइल नंबर आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए या UPI के लिए। तो आप जो है वो दिए आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है इस अकाउंट नंबर से एक ATM कार्ड जारी हुआ है यानी कि इशू हुआ है, आपको मैसेज चला आएगा। लेकिन तभी भी अगर आपको ब्रांच में नहीं मिलता है कार्ड, आप ब्रांच जाइए, ब्रांच में बोलिए कि मेरा मैसेज आ चुका है मुझे कार्ड दीजिए, तो वो लोग आपको मना कर देंगे। मैं बहुत ही ब्रांच में देखता हूँ और मुझे बहुत ही कमेंट आया है कि इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है, देखिए सबसे पहले जो है ये जो है PVC कार्ड में प्रिंट होता है, ये देखिए, इसीलिए ये कार्ड जो है जल्दी प्रिंट नहीं होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। इसका जो हेड ब्रांच है वहीं पर कार्ड प्रिंटिंग होता है, जैसे कि इसके बड़ी बड़ी दिल्ली मुंबई, वहीं ये प्रिंट होके और ये जो है ब्रांच में सेंड किया जाता है। और ये इंडियन पोस्ट से नहीं भेजता है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो आपको पोस्ट से घर नहीं पहुंचाती है। यहाँ मेरे पास दो कार्ड है, एक मास्टर कार्ड एक रुपे कार्ड। मास्टर सबसे पहले जो है सेविंग अकाउंट नॉर्मल अकाउंट में आपको जो है रुपे कार्ड ही मिलेगा, वो भी बहुत ही मुश्किल होता है मिलने में कार्ड, क्योंकि आपको जो है अप्लाई करके वो लेना पड़ता है और बैंक वाले बहुत ही आपको जो है बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करें, ऑनलाइन भी प्रोसेस है, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग है उसका ऑनलाइन प्रोसेस है, सर्विस रिक्वेस्ट में जाके आपको जो है एटीएम कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ आपके नाम का भी ऑप्शन मिलेगा। ये तो मुझे देखिए 15 दिन में ब्रांच से दिया है, इसमें मेरा नाम प्रिंट नहीं है और इसमें फेस प्रिंट है। ये 3 महीने में मुझे मिला, ये मेरे भाई का अकाउंट है जिसमें मास्टर कार्ड का ऑप्शन मिला था। और ये दोनों है जो ये 0 बैलेंस अकाउंट है और ये रेगुलर सेविंग अकाउंट जिसमें 1000 रुपया मेंटेन करना पड़ेगा। और एक बात है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है 2021 के बाद एटीएम कार्ड चार्ज लगना शुरू हो गया। पहले जो है मेरे पास 2019 से ही कार्ड है, तो 2019 में मेरा कोई भी चार्ज नहीं लगा था क्योंकि मैं ATM में यूज़ नहीं कर रहा था, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए और UPI के लिए मैं रखा था। लेकिन उसके बाद से जो है ATM कार्ड में अब मैंने एक दो बार यूज़ किया तो 150 रुपये ईयरली फीस है और SMS चार्ज आपके 17 से 18 रुपये, जितना SMS आएगा उस हिसाब से काटते हैं। मेरा 3 महीने में कम से कम 20 से 25 या 30 भी SMS आ जाते हैं बैंक की तरफ से, जो भी ट्रांजेक्शन करता हूँ उसकी डिटेल के लिए। तो इसीलिए जो है वहाँ मेरा 3 महीने में 17-18 रुपये काट लिए जाते हैं सेंट्रल बैंक इंडिया की तरफ से। वो आपको जो है कोई मैसेज वसेज नहीं करेगी, वो सिर्फ आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री या जब बुक में प्रिंट करवाएंगे आप तो वहीं पे आपको पता चलेगा, या अपडेट करवाएंगे पासबुक तो ही अपडेट, या ऑनलाइन पासबुक आप देख सकते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आई होप कि आपको जानकारी चल गई, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ATM कार्ड कैसे आपको क्यों नहीं मिला, इसका एक ही कारण है कि आपको जो है कार्ड शॉर्टेज और ब्रांच ऊपर, अगर आपका बहुत ज़्यादा दिन हो गया, 6 महीना 3 महीना हो गया, तो आप फिर से फॉर्म फिलअप कीजिए और आप वहाँ झूठ बोल दीजिए, क्योंकि आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा नहीं तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा। बोल दीजिए कि मुझे मेरा कार्ड पुराना वाला खो गया है, इशू हो गया था, क्योंकि आप ब्रांच में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ बहाना करके घर आपको रिटर्न भेज देंगे। इसीलिए आप बहाना कर दीजिए कि मेरा कार्ड खो गया है या गुम हो गया है, तो आपको जो है नया एक ATM कार्ड रिक्वेस्ट करके फिर से देखिए, अगर आ जाता है क्योंकि 15 दिन में पक्का है मिल जाता है। 15 दिन में नहीं मिला या 1 महीना में मिल जाता है, नहीं मिला तो समझिए कि वो आपको जो है कार्ड नहीं मिलेगा। आप आई होप आपको जानकारी चलो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।